हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड, जैसे कि हम सबको पता है आरआरबी क्लर्क मेंस 25 को है, तो इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कितना टाइम अलॉट करना है सेक्शन वाइज, ठीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग एरिया होना चाहिए, ठीक है, किस में आप मार्क्स गेन कर सकते हो, और अल्टीमेटली देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू कैन ओनली यूज स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। लास्ट में ऐसा नहीं हो कि कंप्यूटर के कुछ आते हुए क्वेश्चन भी आपके रह गए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इसे कंप्लीट देखना और अपना फीडबैक शेयर करिएगा, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है भाई। रीजनिंग में सबसे पहले जो आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे सेलॉक्स का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले वो अटेम्प्ट करेंगे। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड, अगर ये कोडेड डायरेक्शन आता है तब भी आप इसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, राइट। इनइक्वलिटीज आती है तो पहले उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम्स डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आपसे मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है, वो तो सिंपल वोकैब के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये टॉपिक्स को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपको वो अटेम्प्ट करना है जो आपका मेन स्ट्रॉन्ग एरिया है। जैसे पजल में बात करूं, जैसे एक फ्लोर बेस्ड जो पजल होते हैं इजी होते हैं, अगर इसमें डबल फ्लोर बेस हो गए और प्लस 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4, 4 फ्लोर हैं जैसे, और इसमें आपके 3 फ्लैट हैं, 1 A B C, ये 3 फ्लैट हो गए ए बी सी, अगर ये आपको स्ट्रॉन्ग एरिया है इस टाइप के पजल, और इसमें एक वेरिएबल और मिलेगा आपको, 1 वेरिएबल और मिलेगा, तो अगर आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है तो बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसे आप लास्ट में रख सकते हो एज वाइज वाले जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो इनकी एज कैलकुलेट करनी रहती है, और प्लस एक वेरिएबल और दे दिया, सपोज इनका सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, फेवरेट कलर दे दिया, कुछ भी दे सकता है, या सिटी दे दिया जहाँ से बिलोंग करते हैं। लीनियर रो, ठीक है, लीनियर रो में अननोन नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं, अगर इसमें 2 वेरिएबल, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फेस नॉर्थ में, कुछ ऐसे हैं जिनका फेस साउथ में, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसे बाद में अटेम्प्ट करिएगा। अगर सबका फेस एक ही साइड है, या तो सबका नॉर्थ में या सबका साउथ में, ठीक है, तो आप इसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्मार्ट टेक्टिक्स होती हैं जो कि आपको यूज करनी है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर मान लो डबल सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, समझ रहे हो, तो आप देखिएगा इसमें कितने वेरिएबल दिए हुए हैं। अगर सिंपल 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो इसे अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज इसे बात के लिए रहने दीजिएगा। इतने करने के बाद, ठीक है, इतना सेक्शन अटेम्प्ट करने में आपको अराउंड लगेंगे आई थिंक 30 to 35 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद आप आओगे आप मैथ्स पे, ठीक है, तुरंत मैथ्स पे आना। मैथ्स में जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेशन के दिए होंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे आईओ, ठीक है, अगर पेपर इजी आया तो पहले आपको इन्हें अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नंबर सीरीज देखना, ठीक है, नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज होगी या मिसिंग नंबर सीरीज होगी, जिस तरीके से मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ उसी तरीके से अटेम्प्ट करिएगा, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, राइट। सो उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है डेटा सफिशियंसी, गॉट इट। देन यू विल अटेम्प्ट डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी की ट्रिक्स मैंने बता रखी है, मॉक ड्रिल सीरीज में आपको सारी ट्रिक्स मिल जाएगी, जितने भी मैंने मॉक ड्रिल के सेशन लिए हुए हैं, नहीं देखे तो देख लो, ऐसा नहीं है काफी ज्यादा है, ठीक है, लिमिटेड सेशन रहते हैं हमारे और काफी इंफॉर्मेटिव रहते हैं। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है इनइक्वलिटी इक्वेशन, अगर आपको मिलती है इनइक्वलिटी, मतलब समझ रहे हो, Q1 Q2 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ईजी भी हो सकते हैं, कुछ टफ भी हो सकते हैं, मगर एटलीस्ट एक बार इन्हें गो थ्रू कर लेना। इसके बाद फिलर्स में सेम केस रहता है फिलर्स का, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक मिलेगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग एरिया, तो आप एटलीस्ट 5 में से 2 भी कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसे अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे केस लेट को, नहीं इसके बाद आप डीआई पे या केस लेट पे, देखो तो डिपेंड करता है आपके स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। अब जैसे केस लेट उम्मीद है परसेंटेज से आएगा, जैसे हमने पीओ मेंस में देखा था केस लेट परसेंटेज से आया था, तो अगर आपको परसेंटेज स्ट्रांग है तो आप इसे पहले अटेम्प्ट करिए, वरना डीआई अटेम्प्ट करेंगे। डीआई में 3 क्वेश्चन तो इजी होते हैं जो कि आप इजीली बना सकते हैं, तो इस पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करने में आपको टाइम देना है अराउंड 30 मिनट्स, ठीक है, लगभग 1 आवर आपने दे दिया है, अब आप पे रिमेनिंग कितना है, 1 आवर, ठीक है। मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम्स मैं कहूंगा गो थ्रू कर लेना, हो सकता है अगर आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद मैं कहूंगा कंप्यूटर सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है नंबर 3 पे, तो कंप्यूटर में कहूंगा 10 मिनट बहुत है,
ठीक है, 10 से 12 मिनट बहुत है, डिपेंड करता है ठीक है आपकी स्पीड पे। तो ये वाली सीरीज देख लेना ठीक है, ये सीरीज देखो, इस पे लगभग आप कमेंट देखो, इस पे लगभग 15 to 20 के व्यूज हैं ठीक है, काफी अच्छी सीरीज है। तो ये तो बात रही कंप्यूटर की ठीक है। इसके बाद आपकी चॉइस होगी हिंदी या इंग्लिश की ठीक है, इसमें आप लोग एटलीस्ट दोगे अपने 25 मिनट्स ठीक है। 10 मिनट आपने उधर दे दिए, चलो उधर 15 मान लो ठीक है, 15 आपने कंप्यूटर में दे दिए, और करंट अफेयर्स में भी आप कितने दे दोगे, 10 मिनट दे दोगे। इन दोनों में मैंने 25 मिनट्स मान ली, 25 एंड 25 ये कितने हो गए 50, हो सकता है इसमें आपको 30 मिनट्स भी लग जाए ठीक है। तो उधर आपने लगभग कितने कितना टाइम दे दिया था, 65 मिनट्स, और इधर कितना टाइम हो गया, मोर देन सफिशियंट हो गया 55 मिनट्स। तो इस तरीके से आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। अब देखो करंट अफेयर्स में तो मैं कहूँगा वेबसाइट पे जाओ, फ्री मॉक ड्रिल्स अवेलेबल हैं, तो उन्हें जाके विजिट करो ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए। हिंदी इंग्लिश देखो, इंग्लिश के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ, इंग्लिश में आप रीड करो आरसी ठीक है। अब इसे कैसे इंक्रीज करोगे, देखो वैसे तो लॉन्ग प्रोसेस है स्पीड इंक्रीज करना आरसी में, बट जैसे आप 30 मिनट्स नॉन स्टॉप रीड करते हो, 30 मिनट्स नॉन स्टॉप अगर आप रीड करते हो तो काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको अपनी रीडिंग स्पीड में ठीक है। करंट अफेयर्स में कहूंगा एटलीस्ट लास्ट 4 मंथ्स आप अच्छे से कर जाओ, देखो होना तो देखो 6 मंथ्स का चाहिए, क्योंकि तो पेपर आपको पता है कि टफ बन रहे हैं, ईजी नहीं आ रहे, तो लेकिन लास्ट 4 मंथ्स के एकदम अच्छे से होने चाहिए याद ठीक है। डेज देख जाना, डेट देख जाना, बाकी सब चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही रखा है, आप बताइए डिटेल स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए किसी किसी भी सेक्शन की इसके अलावा, देन डू लेट मी नो ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो लाइक करा करो ठीक है, सो दैट वी कैन गो विद मोर वीडियोस। और टू वे अगर आप कम्युनिकेशन रखते हैं, देखो लास्ट में ये बात बोलना चाहूंगा, टू वे अगर आप कम्युनिकेशन रखते हो देन इट इज ओनली योर बेनिफिट ठीक है। उसमें क्या, अगर आप अपना फीडबैक शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में, हमें पता चलता है कि आपकी एक्चुअल नीड क्या है, सो दैट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, एंड ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड वीडियोज ऑन डेली बेसिस। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।